नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जैसे कि आंखों के आसपास जो है वो सूजन हो रही है तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि आंखों के आसपास का ये जो भाग है वहां पर आपको सूजन देखने को मिल रही है फिर दूसरा हेल्थ प्रॉब्लम हम देखें तो जब भी आप यूरिन करने जाते हैं तो जो पेशाब है वो काफी ज्यादा जागता रहता है मतलब कि पेशाब के अंदर जाग आ रहा है या फिर फॉर्म जो होता है ऐसा क्रिएट हो रहा है आपने आपको देखने को मिल रहा है फिर तीसरा प्रॉब्लम हम देखें तो आपको काफ़ी ज्यादा जो है वो थकावट महसूस होती है चौथा प्रॉब्लम हम देखें तो आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो रही है और वहाँ पे ईचिंग भी हो रही है तो ये जो सभी सिम्टम्स है वो इंडिकेट करते हैं कि क्रोनिक किडनी डिसीज की बीमारी हो सकती है तो सीखते हैं डिटेल में यह प्रॉब्लम के बारे में और कवर करेंगे यह सब अलग अलग, अलग चैप्टर्स तो सबसे पहले जानते हैं कि CKD क्या है सीकेडी मतलब कि क्रोनिक किडनी डिसीज कि ऐसा प्रॉब्लम कि जिसके अंदर आपकी जो किडनी है वो सही से काम नहीं कर रही है तो समझते हैं बीमारी को अच्छे से तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा कि किडनी का काम क्या है तो किडनी हमारे शरीर में फिल्टर की तरह काम करती है तो वो कौन सी चीज़ का फिल्टर करती है तो ब्लड को फिल्टर करती है और ब्लड में से जो भी कोई अलग अलग वेस्ट मटेरियल्स होते हैं टॉक्सिन्स होते हैं और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो हमारे शरीर में से बाहर निकलता है तो सीकेडी के के अंदर क्या होता है कि जब ये किडनी फेल होती है तो अच्छे से वो अपना काम नहीं कर पाती कि उनका जो नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं कर पाती तो यहाँ पे हम देखते हैं जो स्टेजिज है क्रोनिक किडनी डिसीज के तो सबसे पहला जो स्टेज हम देखे तो स्टेज वन की माइल्ड फंक्शंस उसके लॉस हुए है किडनी के कि जिसके अंदर जीएफआर जो होता है कि जब भी आप प्रॉपर एक टेस्ट करवाते हैं जीएफआर का तो वो 90 या फिर उससे ज्यादा आ रहा है फिर स्टेज टू जो है माइल्ड किडनी डैमेज की जिसके अंदर जी देखने को मिलता है सिक्सटी टू एटी जितना एम पर मिनिट फिर मान लो कि और ज्यादा किडनी खराब हो रही है तो वो जी एफ आर कम होके हो, हो जाता है फोर्टी फाइव से फिफ्टी नाइन तो यहाँ पे आप देखिए जैसे जैसे किडनी और ज्यादा खराब हो रही है आपका जी एफ आर जो है वो काफी ज्यादा कम हो रहा है तो ये प्रॉब्लम को हम सीकेड कहते तो आपको ऐसे ही अलग अलग बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है उनके उपचार के बारे में सीखना अच्छा लगता है तो आप हमारी बुक भी परचेस कर सकते कि जिसके अंदर आप डिटेल में सभी बीमारियों के बारे में सीख पाएंगे तो ये बुक को ऑर्डर करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ये नंबर पे और साथ ही उसका सैंपल भी चेक कर सकते हैं तब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं कि डी के रीजन्स वगैरह क्या है कौन से ऐसे रीजन है कि जिसके कारण आपकी किडनी जो है वो खराब हो सकती है तो सबसे मेजर एक उसका रीजन है वो है हाई बीपी हाई बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और साथ डायबिटीज तो डायबिटीज में भी ये है कि अगर आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में नहीं रहता तो आगे जाके आपके किडनीज खराब हो सकती है फिर जो ब्लड है वो अच्छे से किडनीज तक नहीं पहुंच पा रहा मतलब कि हमें पता है कि हमारे जो इतने भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के उनको ब्लड की आवश्यकता होती है कि उनके तक ब्लड जो है अच्छे से पहुंचना जरूरी है पर सीकेडी के अंदर क्या होता है किडनीज कि खराब हो जाती है कि अगर उनके पास ब्लड जो है वो अच्छे से नहीं पहुंच पाता फिर किडनीज अच्छे से उनका काम नहीं कर पा रही है और कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है कि जो यूरिन का आउटफ्लो जो है वो प्रिवेंट करते है मतलब कि नॉर्मल जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है उसमें से यूरिन अच्छे से पास नहीं हो पा रहा कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है जैसे कि कोई किडनी स्टोन हुआ है या फिर जो यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन हम कहते हैं तो ये कंडीशंस प्रोड्यूस हुई है उसके अलावा हम देखें तो रीनल आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेज है तो भी आगे जाके आपकी किडनीस खराब हो सकती है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यह वाला भाग है आर्टरी का है जो ब्राउनिश रेड कलर का है और ये वाला जो ब्लू साइड का जो पार्ट है वो वेन का है पर मान लो कि आर्टरी के अंदर किसी जगह पे इस तरह से कोई ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्लॉकेज होने से क्या होता है कि जो ब्लड है वो अच्छे से आपकी किडनीज तक नहीं पहुंच पाता कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो किडनीस तक सही से नहीं पहुंच पाता और उसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है फिर हैवी मेटल का पॉइजनिंग हम देखें फिर फीटल डेवलपमेंट प्रॉब्लम से मलेरिया येलो फीवर और किडनी को कोई डायरेक्टली इंजरी होती है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है तो यहाँ पे आप देखो uh, पूरा एक चार्ट देख लेते कि डायबिटीज के कारण हाई ब्लड प्रेशर हार्ट प्रॉब्लम और स्ट्रोक के कारण अगर आपको ओबेसिटी का प्रॉब्लम है फैमिली हिस्ट्री रही है टॉबेको कंजप्शन आप कर रहे हैं और एज 60 प्लस है तो ये सब ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं सी के डी के लिए अब सिम्टम्स हम देखें तो जैसे हमने शुरुआत में देखा इस तरह से आपको थकावट महसूस हो सकती है वीकनेस कमजोरी मसल्स क्रैम एनर्जी कम हो रही है और नोजा वॉमिटिंग जैसा फील होता है भूख कम हो जाती है और नमनेस जैसा फील करते हैं उसी तरह से जो यूरिन आता है वो जागदार आता है यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है एनेमिक हो सकते हैं आप फिर जो यूरिन है उसके अंदर ब्लड आ सकता है या फिर जो यूरिन का कलर है वो काफी ज्यादा डार्क हो जाता है यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो रात को बढ़ जाती है और ब्रीथिंग जो है वो आपके शॉर्ट हो जाते हैं तो ये कुछ लक्षण है ये बीमारी के उसके अलावा हम देखें तो कॉन्सेंट्रेट करने में डिफिकल्टी होती है सोने में दिक्कत होती है खुजली होती है स्किन ड्राई हो जाती है सूजन आ जाती है ये वाला पोर्शन आप देखे, तो नॉर्मल है उसके कंपेयर में यहां पे आप देखो कि आंखों के आसपास आपको सूजन देखने को मिल रही है और जिसको पफी आइज भी हम कहते हैं और ब्लड प्रेशर उसके कारण बढ़ सकता है कि अगर आपको सीकेडी का प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है तो ये प्रॉब्लम का निदान कैसे करें तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होता है कि फिजिकली डायरेक्टली आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर से यूरोलॉजिस्ट है या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट है उसको अच्छे से चेक करते हैं यूरिन टेस्ट यहाँ पे किया जाता है फिर जी एफ आर या खास यहाँ पे निकाला जाता है जैसे हमने शुरुआत में भी देखा था कि जी एफ आर जो है वो ये प्रॉब्लम के अंदर धीरे धीरे कम होने लगता है तो जी एफ आर टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा कन्फर्म हो जाता है सी के डी के बारे में फिर सीरम क्रिएटी टेस्ट भी यहाँ पे किया जाता है अल्ट्रासाउंड uh, स्कैन करके पता लगाया जाता है कि uh, कोई ब्लॉकेज वगैरह है या नहीं या फिर वहां पे कोई सूजन है और एक्सरे या फिर एम भी की जाती है किडनीज की uh, जरूरत पड़ने पर सिटी स्कैन और किडनी बायोप्सी तो ये अलग अलग डायग्नोस्टिक्स uh, फीचर है कि जिससे हम पता लगा सकते हैं ये प्रॉब्लम के बारे में तो अब ट्रीटमेंट के बारे में हम देखें तो सबसे पहले पेशेंट uh, को जो है वो प्रॉपर डाइट देना जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी फिजिकली वो थोड़ी फिट रहे इसलिए उनको अच्छे से खाना देना चाहिए प्रॉपर डाइट फॉलो करवानी चाहिए और अगर पेशेंट को डायबिटीज भी है तो उस तरह से उसका प्रॉपर ध्यान रखा जाता है कि जिससे उसका शुगर लेवल जो है वो प्रॉपर मैनेज रहे और कंट्रोल में रहे फिर बीपी का भी प्रॉब्लम है तो बीपी एंड डायबिटीज़ दोनों अच्छे से मेंटेन होना जरूरी है और अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है तो उसको ये स्मोकिंग जो है वो एवॉड करनी चाहिए और उसको बंद कर देना चाहिए फिर आ, ओबेसिटी भी हमने एक रीजन देखा था ये प्रॉब्लम का तो आपको आपका जो वेट है वो मेंटेन रखना चाहिए अगर आप ओवर वेट है बी आपका काफी ज्यादा है तो ट्राई करें कि आप वेट लॉस करें अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं तो वो बंद कर दे या फिर उसको लिमिट कर दे टॉबेको यूज ना करे और अच्छी नींद ले एटलीस्ट आठ घंटे की आपको नींद लेना जरूरी है तो अब देखते हैं ट्रीटमेंट के ऑप्शन जो मेडिसिन के ऑप्शन है कि कौन से मेडिसिन प्रॉब्लम में दी जाती है तो आ, सबसे पहले यहाँ पे हमने एक रीजन देखा कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है सीकेडी के अंदर और अगर बीपी ज्यादा रहता है तो भी सीकेडी का प्रॉब्लम हो सकता है तो यहाँ पे एसी ही इनहिबिटर जो वो है फर्स्ट चॉइस रहते हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो एसी इनहिबिटर्स ड्रग्स हम देखें तो कैप्टोप्रिल है एनालेप्रिल है और लिसिनोप्रिल वगैरह प्रिस्क्राइब की जाती है ये प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए तो ये दवाइयाँ क्या करती है जो ब्लड वेसल्स होती है उनको रिलैक्स कर देती हैं तो रिलैक्स होने से ब्लड फ्लो जो है वो थोड़ा रिड्यूस होता है और प्रेशर जो है वो कम हो जाता है कि जैसे कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल हो जाती है तो ऐसे में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है और यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर डाउन होकर फिर से मेंटेन होने लगता है सेकंड ऑप्शन रहता है एआरबी जिसको एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स कही जाती है या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर एनजियोटेसिन को हम कहते हैं या फिर अब ऐसी मेडिकेशन की जो एंजियोटेंसिन टू रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। तो ये सेकंड ऑप्शन से ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए सीकेडी के पेशेंट के अंदर कि जिसके अंदर इरबेसार्टन है वालसाटन है लोसार्टन ऑलमिस जैसी दवाइयों के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है तो वीडियो के बीच में मैं आपको बता दू कि हमारी बुक जो अवेलेबल है उसको आप परचेस कर सकते हैं बुक परचेस करने की जो लिंक है वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगी और ये नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं तीसरा ऑप्शन हम यहाँ पे देखें तो डायरेटिक्स का ऑप्शन रहता है कि अगर पेशेंट का जो है वो जी एफ आर लेस देन थर्टी है तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए ये ऑप्शन बंद है जिसके अंदर लेसिक्स काफी यूज की जाती है कि जिसके अंदर सॉल्ट कंटेंट रहता है फ्यूरेसेमाइड टानाइड का भी ऑप्शन रहता है और टॉर्सेमाइड तो ये होगा डायोरेटिक्स का ऑप्शन और स्पेशली लूप डायोरेटिक्स सबसे ज्यादा प्रीफर किए जाते हैं चौथा ऑप्शन हम देखें तो फॉस्पेट बाइंडर्स का रहता है कि जो स्पेशली प्रिवेंट करते हैं प्रोग्रेशन ऑफ बॉन्ड डिसऑर्डर्स कि जो हाइपर फॉस्पेटिया कि जो क्रोनिक किडनी डिसीज मिनरल एंड बॉन्ड डिसऑर्डर है या फिर CKD MBD जिसको कहा जाता है तो फॉस्पेट बाइंडर्स के हम ऑप्शन देखें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड रहता है 300 मिलीग्राम जितना कैल्शियम एसिडेड कैल्शियम एसिडेड 1000 थाउजेंड का तो इनमें से कोई भी एक कोई एक जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है पेशेंट को पांचवा ऑप्शन हम देखें तो इरिथ्रोपोइटिन का रहता है कि अगर पेशेंट के अंदर एनीमिया प्रोड्यूस होता है ब्लड उसका जो रेड ब्लड सेल आरबी से काउंट कम हो रहे हैं तो एनेमिया ट्रीट करने के लिए इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन जो है वो दिए जाते हैं कि अगर पेशेंट को सीकेडी भी है और साथों साथ ये एनीमिया का प्रॉब्लम हो रहा है फिर जो ब्लड शुगर का जो प्रॉब्लम है उसको भी मैनेज करने के लिए जो डायबिटिक जो दवाइयाँ हैं वो पेशेंट को दी जाती है तो डिटेल में आपको डायबिटिक दवाइयों के बारे में सीखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं फिर छठा ऑप्शन है विटामिन डी का कि अगर विटामिन डी की डेफिशेंसी हो रही है पेशेंट को तो ये मेडिकेशंस उसको प्रिस्क्राइब की जाती है तो डायबिटीज के बारे में आपको सीखना हो डिटेल में कि कौन सी ऐसी दवाई है कि जिससे शुगर लेवल मैनेज रहता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके मेरा वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये डायबिटीज वाला वीडियो भी अच्छा लगेगा तो जरूर से यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो को देखें सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट